गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी जो हूँ अपने 9 नंबर के पुस्ते पे हूँ, दिल्ली के राहुल नगर के। और ये पीछे भैया साइड में हमारे ट्रक चला रहे हैं डंपर, और बैक साइड में हम ले रहे हैं इसको, और यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं पुस्ते के नीचे, ताकि जा करके हम दिखा सकें कि कहाँ से मिट्टी अभी उठाएंगे। और 9 नंबर के पुस्ते पे से नीचे उतरते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये पहुंच गए हम 9 नंबर के पुस्ते के नाले पे, और इसको भी चौड़ा कर रहे हैं, सर्विस रोड को बड़ा कर रहे हैं, ताकि यहाँ से आसानी से हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकें। तो पीछे हमारे डंपर के अंदर मिट्टी डालने का काम चल रहा है। सो गाइस, 3 से 4 मिनट लगते हैं जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि इसको भरने में, और इसके बाद इसे आगे लेकर के जाएंगे जहाँ पे मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये डाल देंगे। तो अभी हम बैठे हुए हैं और इसके अंदर मिट्टी डल रही है कि भर गया है। भर गया मतलब क्या किया उसने जो तुम्हें पता चल गया? हॉर्न मार दिया ना। हॉर्न मारा? अच्छा। तो गाइस 2-3 मिनट पूरे हो गए और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और दोबारा से पुस्ते की तरफ जा रहे हैं। पहले आज डिसाइड किया है कि मैं वहीं तक जाऊंगा जहां पे मिट्टी को डाला जाएगा भैया के साथ, तो वहां पहुंच करके दिखाएं कि एक जगह मिट्टी निकाली है तो दूसरी जगह कहां पे ज़रूरत है वहां मिट्टी को डाला जाएगा, तो वहां से आकर के फिर वापसी यहीं आना होगा। देख सकते हो सिंगल वे चल रहे हैं हम, और दूसरी साइड में रोड ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इस पर भी और तेज़ी से काम हो सके, और नीचे जो रोड है वो चालू कर दिया सर्विस रोड जो खजूरी जाने के लिए है। तो अभी तो हम खजूरी जा रहे हैं इस साइड से, लेकिन खजूरी से आने के लिए सर्विस रोड को चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हो बहुत से लोग इधर से ही वापसी भी आ रहे हैं, और ये साइड में आप देखो पानी भी डल रहा है टाइम टू टाइम, ताकि जो है धूल मिट्टी कम उड़े। वैसे तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट फिर भी अभी आप ये नज़ारा देख रहे हो कराउल नगर पुस्ते का, यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है बहुत दे रहे हैं यहाँ पे इस रोड पे, क्योंकि ये रोड आपको पता ही है कि अभी इस पर कोई भी आना जाना लोगों का है गाड़ी का, तो पैदल लोग यहीं से जा रहे हैं और आ रहे हैं, और इस साइड से गाड़ियाँ चल रही है उस साइड जा रही है, बहुत जल्द इसे भी बंद कर देंगे जैसे साइड वाला सर्विस रोड चालू हो जाएगा। इतना एक्साइटेड है, आराम से खड़े होकर रोड को बनते हुए देखना चाहते हैं, घूमते हुए देखना चाहते हैं कि रोड को कैसे चौड़ा किया जा रहा है। ये इस टाइम पे हम ये जो सीन देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं तितिक्सा स्कूल से आगे के, और उसका भी सर्विस रोड तैयार हो रहा है। हमारा जो डंपर है वो मुड़ गया है, और अब हम दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं, जिसकी मैंने लास्ट आपको वीडियो दिखाई थी कि ये रोड ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। और देखो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये रोड बनने नहीं वाला, ये बन चुका है और इस पर लोगों का आना जाना चालू हो गया है। अब देखो हमारा ट्रक भी इसी के ऊपर चल रहा है, हमारा डंपर इसी के ऊपर चल रहा है जिस पर खड़े होकर मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया था कि इसमें से लाल मिट्टी पड़ी थी, अब रोड प्रॉपर तरीके से बनी। देखो एकदम साफ सुथरा रोड बनाया है इन्हीं भाई लोगों ने, रात दिन मेहनत कर करके इन्होंने इस रोड को एक मुकाम तक पहुंचाया है, और अभी तो इन्हें बहुत आगे तक लेके जाना है। ये फ्रूट्स वगैरह जो कभी हमें मिलते थे रास्ते के ऊपर, अब ये मिलेंगे हमें सर्विस रोड पे ही, क्योंकि ये हाईवे हो गया है ऊपर वाला, और इस साइड वाला हो चुका है सर्विस रोड कराउल नगर का पुस्ता, हम लोग पहुंच गए। और यहाँ का भी होता था कूड़ा घर समाप्त हो चुका है यहाँ से, और इस रोड को यहाँ से चौड़ा भी कर रहे हैं ऊपर से। आप देखो इसी की वजह से हम जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे डंपर पे बड़े प्यार से जा रहे हैं,
तो यहीं का मेरा सवाल था टोल टैक्स के पास हमें कहाँ पे सर्विस रोड अंदर की तरफ हमें कैसे जाना है, अगर हमें टोल टैक्स को क्रॉस करना है तो क्या हमें आगे से इसी तरीके से ऊपर को जाना होगा? अंदर का रास्ता अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा और ना ही मेरे को अभी कोई जवाब दे पाया। इन वाले भैया ने भी जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा भाई हमें इसके बारे में नहीं पता है कि तुम्हारा अंडरपास कहाँ होगा। तो टोल टैक्स के पास जितने भी लोग रहते हैं 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के, इनका जो टर्न है जो अंडरपास है वो कहाँ होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ हीरो होंडा शोरूम के पास और मिट्टी को डालेंगे अभी, तो मैं दिखाऊंगा कि हम 9 नंबर के पास से मिट्टी लेकर के आए हैं और यहाँ पे डलेगी मिट्टी। तो देखो इस रोड को ऊंचा तभी किया जाएगा कहीं से मिट्टी ला के कहीं पे मिट्टी डाल के। तो ये अपना डंपर यहाँ पे आ गया, ये देखो मिट्टी डल रही है, इधर डल चुकी है। और अभी इसको खोलेंगे भाई साहब और फिर उसके बाद यहाँ पे मिट्टी का ढेर होगा और बहुत जल्द मिट्टी का ढेर वहाँ तक पहुँच जाएगा ऊपर तक। दोस्तों दोबारा से डंपर में बैठने जा रहा हूँ और वहीं जा कर के बैठ के जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच रहा हूँ और प्रोसेस तो आपने देख ही लिया कि कैसे कैसे करके मिट्टी लाई जा रही है और कैसे करके मिट्टी डाली जा रही है। दोस्तों जैसे भैया ने बताया था कि सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और मिट्टी को उधर से इधर लाने में, बाकी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ पेशेंस है और हर काम में पेशेंस ज़रूरी है। जैसे कि मेरा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए एक पेशेंस कि अब रोड कहाँ तक पहुँचा है, अब हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, कितना काम हो गया है, और मेरे कुछ सवाल जैसे कि अब जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने कुत्ते की तरफ तो मैं कैसे जाऊँगा क्यों? क्योंकि मैं आ चुका हूँ कम से कम काफ़ी आगे 100 मीटर आगे अपने कुत्ते से, तो ऐसे ही क्या मुझे घूम के जाना पड़ेगा बार बार या मेरे आसपास के लोगों को? एक सवाल है मेरे मन में, हो सकता है आप लोगों के मन में भी हो, तो बहुत जल्द शायद मुझे जवाब मिलेगा तो आप लोगों को भी मिल ही जाएगा। ये हमारा टोल टैक्स, तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम इधर को कैसे जाएंगे, आगे से ही बढ़ करके आएंगे इसी तरीके से जैसे आज आए हैं आने वाले टाइम में भी। अब आप ही का नंबर है, रेस्ट करना है, अब रेस्ट करना है। तो हमारा नंबर यहाँ पे कम्प्लीट हो गया और भैया का रेस्ट चालू हो गया, तो अब हम यहाँ बैठे आराम से, ले लो सूरज की किरणें आ रही है मस्त, और भाई आराम से बैठ गए बैठा हूँ आराम से। और ये दूसरा ट्रक चल दिया है और ये भी वहीं लेकर के जा रहा है, ये भी वहीं लेके जाएगा मिट्टी। हाँ वहीं जाएगा। अच्छा तो ये आप देख सकते हो सामने, ये मिट्टी भी वहीं जाएगी और उसके बाद जो हमारे आगे जो खड़ा है अब इसका नंबर आएगा। तो कितने 3 ट्रक लगे हुए हैं? 4 डंपर लगे हुए तो चारों को एक एक बार मौका मिलता है, कम से कम 1 घंटे के अंदर एक एक बार मौका मिलता है ना? बिल्कुल, 1 घंटा आधा घंटा के अंदर में आ जाता है, 1 घंटा आधे घंटे में। और ये वाला जो भाई है पुस्ते पे हमेशा खड़ा रहता है, डायरेक्शन देता है कि भाई ऊपर आओ नीचे आओ रुको थोड़ा ट्रैफिक का। अभी आप देखो ये डायरेक्शन ले रहा है, ये आगे वाले डंपर को बुला रहा है।